आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 6 रोड की हाइट कैसे निकालते हैं। अगर आप सिविल कंस्ट्रक्शन लाइन से जुड़े हुए हैं तो उसमें 6 रोड जो होती है कुछ इस तरीके से होती है, आपने देखी होगी, जिसके ऊपर पूरा सरिया टॉप मैट आता है और बॉटम मैट के ऊपर ये टिकाई जाती है। फुटिंग में राफ्ट में मोस्टली ऐसा होता है। एक ड्राइंग से आपको लेकर मैं बता देता हूँ, एक ड्राइंग रेफर करूँगा। हम बात कर रहे हैं चेयर के बारे में, तो चेयर की जो ये वाली हाइट है, ये वाली हाइट कैसे निकालेंगे ये मैं आपको बताने वाला हूँ। चलो एक ड्राइंग ले लेते हैं। अभी मेरे पास एक ड्राइंग है, प्लान है, ये प्लान का ड्राइंग है। इसमें मैं ये वाला फुटिंग ले लेता हूँ, फुटिंग नंबर है इसका F3P3। बॉटम ऑफ फुटिंग -4 मीटर थी, यानी कि ये जो फुटिंग की डेप्थ है खुदाई होनी है तो 4 मीटर तक खोदी जाएगी। अब इसका मैं देखूंगा सेक्शन देख लेता हूँ, सेक्शन से क्लियर हो जाएगा। RCC डिटेल देख लेता हूँ इसकी, उसमें पता लगेगा कितने का इसमें स्टील आ रहा है, उसी हिसाब से इसका हाइट निकलेगा। तो मैंने अभी आपको दिखाया था F3P3, ये देखिए F3P3 है, यही वो मेरा फुटिंग है पूरा। तो मैं इससे आराम से चेयर की जो है हाइट निकाल सकता हूँ। तो अभी मैं निकालूंगा, पहले इसका सेक्शन देख लीजिए, सेक्शन 5-5 कटा है, ये देखिए सेक्शन 5-5। तो इसमें 2 स्टेप आएगा, फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप का हाइट देख लेते हैं कितना है, फर्स्ट स्टेप का हाइट देखिए 700 है और टोटल ये 1200 है। जब फर्स्ट 700 है तो बचा कितना होगा 500, ये सेकंड स्टेप है 500। तो पहले मैं 700 की यानी फर्स्ट स्टेप की निकाल के दिखा देता हूँ आपको कितनी हाइट आएगी। करना कुछ नहीं है, बहुत इजी फंडे से मैं आपको बताऊंगा। ये देखिए 700 है, तो क्या करेंगे 700 लिखिए। स्टील देखिए, स्टील कौन कौन सा आने वाला है, ये देखिए यहाँ पे स्टील लिखा हुआ है 20 डाया का 150 सेंटर बॉटम नीचे आएगा। 2 लेयर आती है तो पता ही होगा, एक ऐसे आती है, कैसे आती है, टॉप में आएगा 10 डाया का 200 सेंटर टॉप में। हमें सेंटर कितना रहा ये मैटर नहीं करता, बस हमको ये देखना है स्टील कितनी डाया का है। तो पहले तो आप सबसे वो लिख लीजिए जितनी हाइट उसमें दी हुई है, फुटिंग का जो हाइट दिया वो लिख लीजिए, 700 दिया हुआ तो 700 मैंने लिख लिया, ब्रैकेट लगा लीजिए। बॉटम में कितने का सरिया है, 20 का सरिया है। अब 2 बार आ रहा है तो 2 बार लिखेंगे 20 20। अब टॉप में कितने का आ रहा है, टॉप में 10 का आ रहा है, वो भी 2 बार आएगा, अभी जो 20 2 बार मैंने लिखा है। तो यहाँ पॉइंट वाली बात यहाँ पर है, ये एक इसमें से माइनस कर देंगे, कट कर दिया मैंने, क्यों कर दिया, क्योंकि जो चेयर है हमारी सिर्फ जो सबसे नीचे वाला स्टील होता है उसी की जो सबसे पहले बिछाया जाता है उसी के ऊपर टिकती है, उसके ऊपर आता है उसके ऊपर नहीं टिकती है। अब कवर कितना है, नीचे कवर देंगे 50, ऊपर भी कवर देंगे 50, ये चीज़ें से माइनस कर दीजिए। अब ये मैंने क्यों कट किया तो मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, देखिए एक पिक्चर है मेरे पास, ये चेयर रोड है, ये देखिए चेयर जो है बॉटम मैट का सरिया बिछा हुआ, एक बार ऐसे बिछा है लॉन्गर स्पान, एक बार शॉर्टर स्पान। तो ये जो देखिए चेयर टिकी हुई है, सिर्फ लॉन्गर स्पान जो बॉटम में बिछा था उसके ऊपर टिकती है, देखिए इस वाले पे नहीं है। तो इसलिए कि मैंने एक सरिया 20 का माइनस किया है, दूसरा माइनस नहीं किया है। और मैं जो अभी हाइट निकाल के वो बता रहा हूँ, इसके हाइट निकालने वाला हूँ। तो अब क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे, कुछ नहीं करेंगे, 700 माइनस 20 30 40 और ये 140 हो गया, 140 माइनस करेंगे इसमें से तो ये इतना आ जाएगा आपका 0560 आ जाएगा। 560 mm की आपकी चेयर की हाइट होगी। अगर आप साइट में हैं तो आप ऑटोमेटिक वहाँ पे चेक कर सकते हैं, ऐसी सेम टू सेम दूसरे की निकली। करना कुछ नहीं, सबसे इजी मेथड है ये, देख लीजिए सबसे फुट जो आप डालने जा रहे हैं फुटिंग वो उसका डेप्थ कितना है, उसी डेप्थ में से बस स्टील का डाया और कवर माइनस करते चले जाइए, बहुत ईजी मेथड है, आराम से आपका चेयर का हाइट आ जाए। कोई डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें।